प्रियंका चोपड़ा कौन है, क्या करती है, इनके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, एक्टिंग से लेकर सिंगिंग तक, अवार्ड से लेकर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कॉन्ट्रोवर्सीज तक, प्रियंका हर सेक्शन में हेडलाइंस बटोरती है। कभी मैडम अपने मस्त अंदाज से दिल छू लेती है, तो कभी कुछ ऐसा कह जाती है जिससे वो लोगों के दिलों को चुभती है। तो बताते हैं आपको उनके ही दिए हुए कुछ बयान जिसे आपने ही किया नापसंद। ২০২৩ में एक पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने कहा था, इंडस्ट्री में हो रही राजनीति की वजह से तंग आकर मैंने हॉलीवुड का रुख किया। मैंने उन लोगों के साथ बीफ भी लिया था, लेकिन बाद में मुझसे किनारा किया जाने लगा। सीरीज सिटाडेल के मुंबई प्रमोशंस के दौरान प्रियंका ने अपने बयान पर सफाई भी दी। आई थिंक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज ऑन द पॉडकास्ट आई वाज आस्क्ड अबाउट द जर्नी ऑफ माय लाइफ एंड आई स्पोक अबाउट यू नो व्हेन आई वाज यंग व्हेन आई वाज 10 व्हेन आई वाज 15 व्हेन आई वाज 22 व्हेन आई वाज 30 40 व्हाटएवर सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ ऑफ माय जर्नी एंड आई थिंक नाउ आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक अबाउट दैट फेज ऑफ माय लाइफ I think now where I am, I was okay enough to kind of articulate what I felt. I think I had a very tumultuous relationship with what occurred, but I forgave, I moved on a long time ago, and then I made my peace with it. And I think that's why it was easy for me to talk about it in an open manner, you know, in a safe space. प्रियंका चोपड़ा दिवाली पर पटाखे न फोड़ने वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो चुकी है। दरअसल उन्होंने एक बयान में कहा था कि पटाखों के धुएं की वजह से लोगों को अस्थमा जैसी कई बीमारी होती है। इसके कुछ समय बाद ही प्रियंका चोपड़ा का पति निक जोनस के साथ वेकेशन की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें वो सिगरेट पी रही थी। प्रियंका ने 68th एमी अवार्ड्स के दौरान एक जर्नलिस्ट से बातचीत के दौरान हिंदी फिल्मों का मजाक उड़ाया था। प्रियंका ने कहा था कि इंडियन फिल्म्स इज ऑल अबाउट हिप्स एंड बब्स। प्रियंका के इस वीडियो पर उन्हें ट्रोल किया गया। यूजर्स ने कहा कि शायद प्रियंका भूल चुकी है कि वो बॉलीवुड से ही फेमस हुई है। प्रियंका चोपड़ा सिक्किम को लेकर अपने बयान के कारण विवादों में घिर गई थी। प्रियंका ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक इंटरव्यू के दौरान भारत के सिक्किम को उग्रवाद से परेशान राज्य बताया था। प्रियंका के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रियंका को घेरते हुए कहा कि सिक्किम भारत का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने किताब अनफिनिश्ड में खुलासा किया है कि बॉलीवुड में उनके शुरुआती दिनों में एक फिल्म निर्देशक ने उनके साथ बदतमीजी की थी और अंडरगारमेंट्स में डांस करने को कहा था। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि उन्हें आज तक इस बात का दुख और पछतावा है कि वो उस निर्देशक के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकी। ये तो बस प्रियंका के 5 स्टेटमेंट्स है। यूं तो प्रियंका कई बार अपने विवादित बयान या ड्रेस को लेकर ट्रोल की गई है, यूजर्स के निशाने पर आ चुकी है, कई केसेस में उन्होंने माफी भी मांगी है। वेल, प्रियंका के इन कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर आपके क्या रिएक्शंस है बताइए हमें कमेंट्स के जरिए, और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।